बढ़िया सा। लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स। कैसे गुड क्वेश्चन नहीं किया बच्चे, मैं रिपोर्ट देख रही थी, बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया। 3 डेज आपकी क्लास नहीं है तो एटलीस्ट उस टाइम पर बैठकर कोड क्वेश्चन कर लोगे बच्चे, तो कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, कुछ आगे बढ़ जाओगे, कुछ और सीख लोगे। सो जिन 3 डेज में क्लास नहीं होती, ट्राई टू कंप्लीट योर ऑल द मॉड्यूल्स। हार्डली 10 स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड टिल क्यूज, अदरवाइज ऑल आर पेंडिंग। सो ट्राई टू सॉल्व इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, नाउ आई स्टार्ट विद द मर्ज सॉर्ट। मैम, रेडिक्स शॉर्ट में डाउट है हाँ बोलो। मैम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आ रही है। बिग टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एन की कैसे आ रही है, आप वो बता दीजिए एक बार। बच्चे, 2 फॉर लूप्स लग रहे हैं इसमें। एक बाहर फॉर लूप लगा हुआ है जो के का है, जो हमें ये बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, उसका फॉर लूप लगा है। नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर है उसके नंबर ऑफ डिजिट्स का लूप है वो के है। उसके अंदर आपका एक सिंगल फॉर लूप लग रहा है जो हमारा एन है, के एन। मैम सिंगल से ही तो नहीं हो रहा है वो, मैं शो करता हूँ। देखिए, चलिए मैम, ये वाले तो खैर हम लोगों को इनकी नहीं लेने की जरूरत है। लाइक ये वाला लूप को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है मैम, यहाँ से हमारा मेन है। मैम ये पास वाला है, ये फिर प्लेस वैल्यू लेने वाला है, फिर मैट्रिक्स में डालने वाला ही है। तो उसके बाद में एक और है जो मैट्रिक्स से हम लोग अपनी ओरिजिनल एरे में दोबारा स्टोर करेंगे। हाँ हाँ तो उसमें भी देखो, फॉर 2 फॉर लूप लगाए हैं तुमने। ये तो प्लस में आएगा ना इसके साथ, ये इसके अंदर थोड़ी है, ये तो इसके साथ प्लस में है। तो मैम जैसे इस वाले का एन हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये तो की है कांस्टेंट, मतलब ये तो हर बार 10 9 टेन टेन ही टेन रहेगा। हाँ के है, और ये टेन लेंथ है तो एन हो जाएगी। ये तो हाँ प्लस में जा रहा है ना। फिर ये चीज देखो ना, इस यहाँ पर आपका एक फॉर लूप है जो बाहर वाले फॉर लूप के अंदर है। मैम, ये वाला भी एन है तो वो 2n हो जाएगा, तो मतलब एन ये वाला पूरा हाँ एन रहा हाँ और के जो है आपका है। ये ऊपर वाला फॉर लूप, ओके नंबर ऑफ पासेस वाला। ओके जी, ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। स्टार्ट करते हैं हम मर्ज सॉर्ट से। मैं स्लाइड शो कर लेती हूँ, जहाँ पर बेटा समझ में ना आए मुझे रोक देना। ओके, मैं स्लाइड शो कर रही हूँ, वो नहीं देख रही कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं कितने नहीं आ गए हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मर्ज सॉर्ट हेयर। मर्ज सॉर्ट है, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है, रीडेबल है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में जो टेक्निक यूज होती है वो है डिवाइड एंड कॉन्गर। डिवाइड एंड कॉन्गर टेक्निक हमारी मर्ज सॉर्ट में यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर है क्या, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। डिवाइड एंड कॉन्कर में हम क्या करते हैं, एक सिंगल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। लाइक मर्ज सॉर्ट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वी डिवाइड इट इंटू सब प्रॉब्लम्स। और हर एक सब प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होगा, देन वी मर्ज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम्स टू फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड करना, सॉल्व करना और उन्हें मर्ज कर कर फाइनल सॉल्यूशन देना, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्कर। कॉन्कर मीन्स जीतना। तो हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया सब प्रॉब्लम्स में और उनको विन किया, और फिर फाइनल सॉल्यूशन में भी हम विन हो गए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। लेट्स गो फर्दर कि मर्ज सॉर्ट को डिवाइड एंड कॉन्कर कही क्यों है, कैसे कैसे स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है डिवाइड। डिवाइड द प्रॉब्लम इंटू ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, सिमिलर सब प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉलर साइज। सब प्रॉब्लम्स का साइज इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब प्रॉब्लम्स स्मॉलर साइज की होंगी और सिमिलर होंगी।
सब प्रॉब्लम्स का, अगेन आई एम रिपीटिंग, सब प्रॉब्लम्स का साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे मर्द सॉर्ट में इक्वल होता है, लेकिन अदरवाइज सलम्स का साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो स्मॉलर साइज की होंगी ओरिजिनल प्रॉब्लम से और सिमिलर होंगे, सिमिलर सब प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉलर साइज. नेक्स्ट आ जाओ कॉन्कर द सब प्रॉब्लम्स. कॉन्कर द सब प्रॉब्लम्स कैसे है, हम सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली, हर एक सब प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं. सब प्रॉब्लम साइज इज स्मॉल एनफ सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. हम सब प्रॉब्लम्स का अगर साइज बहुत छोटा है तो हम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं. ठीक है, देन कंबाइन एट लास्ट कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम्स टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सॉल्यूशन. सो हेयर आर द थ्री स्टेप्स, डिवाइड, कॉन्कर एंड देन कंबाइन. अब मर्सॉट अप्रोच के बेस पर देखो, डिवाइड कॉन्कर और अप्रोच कंबाइन कैसे यूज किया. डिवाइड, डिवाइड द एन एलिमेंट सीक्वेंस टू बी सॉर्टेड इनटू टू सब सीक्वेंसेज ऑफ एन बाय टू एलिमेंट्स. यही करते हैं, सबसे पहले स्टेप पर डिवाइड करते हैं, अगर एन एलिमेंट्स हैं तो एन बाय टू की दो लिस्ट बना लेते हैं, फर्दर एक लिस्ट को एन बाय टू, फिर एन बाय टू, एन बाय फोर, एन बाय फोर, फोर फोर, एन बाय एट एट एट, टिल वी हैव अ सिंगल एलिमेंट इन अ लिस्ट. ठीक है, देन सॉर्ट द सब सीक्वेंसेज रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट. व्हेन द साइज ऑफ द सीक्वेंस इज वन देयर इज नथिंग मोर टू डू. है ना, हम क्या करते हैं, जो हम डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, उस डिवीजन को वहाँ तक ले जाते हैं जब तक हमारे पास एक सिंगल सब प्रॉब्लम नहीं रह जाती. देन सिंगल सब प्रॉब्लम रह गई, वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है, देन वी स्टार्ट मर्जिंग द सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस. आपस में सॉर्ट करते हैं और उनको मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, देन वी फाइनली गेट द मर्ज सॉर्ट. सो द थ्री अप्रोचेस, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन, ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर आर सेटिस्फाइड इन मर्ज सॉर्ट अप्रोच. डिवाइड द प्रॉब्लम इन टू सब प्रॉब्लम्स, यहाँ पर इक्वल है, जो सब प्रॉब्लम्स का साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मर्ज सॉर्ट में, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. तो हमने सबसे पहले लिस्ट को एन बाई टू में डिवाइड किया, तब एन बाई टू को एन बाई फोर में, एन बाई फोर को एन बाई एट में, एंड सो ऑन टिल वी हैव अ सिंगल एलिमेंट. अभी आप एक एग्जाम्पल से दिखाती हूँ, वहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा. सी, ये आपका एक एग्जाम्पल है, 5 2 4 7 1 3 2 6, ये लिस्ट है, यू हैव टू सॉर्ट इट. सो हमारे पास एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम साथ में ही है, उसमें कैसे कैसे हम स्टेप कर रहे हैं. एल्गोरिदम में हमारे पास मर्ज सॉर्ट का जो एल्गो होता है, ए एरे है आपका, ये ए जो है ये एरे है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं. टी फर्स्ट पोजिशन, मे बी 0, मे बी 1 और मे बी सम वन एल्स. टी में हमने फर्स्ट लोकेशन स्टोर की हुई है, आर में हमने लास्ट लोकेशन स्टोर की हुई है, आर लास्ट लोकेशन, दीज टू आर द लोकेशंस. हमने चेक करना है इफ़ पी इज़ लेस देन आर, क्योंकि ये फर्स्ट लोकेशन है, ये लास्ट लोकेशन है, तो दिस कंडीशन मस्ट ऑलवेज बी ट्रू. इफ़ पी इज़ लेस देन आर तो हमने क्या करना है, मिडल निकालना है. मिडल कैसे निकालेंगे, की इज इक्वल टू पी, टी प्लस आर बाई टू. मर्ज सॉर्ट है तो हमने मिडल ही निकालना होगा, हमने मिडल निकाल लिया. अब मिडल निकाल के क्या करोगे, इस मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम को फिर से कॉल करोगे, कहाँ के लिए, पी से क्यू तक के लिए और क्यू प्लस वन से आर के लिए. सी अगेन, पी और आर टोटल इंडेक्सेस हैं, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे. हमने क्यू उसका मिडल निकाल लिया, जब हमने इसका मिडल निकाला तो हमने फिर से मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, एक बार ए पी और क्यू के लिए, और मर्ज सॉर्ट को फिर से कॉल किया क्यू प्लस वन से आर के लिए, और लास्ट में हमने मर्ज को कॉल किया, जिसमें मर्ज में हम ए पी क्यू और आर सबको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्ज का है. आप यहाँ देखो, मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू, ये रिकर्सिव कॉल करेगा फिर से मर्ज सॉर्ट को, यहाँ पर जाएगा फिर से क्या करेगा, पी और क्यू के मिडल एलिमेंट को कॉल फाइंड आउट करेगा और उसे दो सब लिस्ट में डिवाइड कर देगा. ये देखो डिवाइड मर्ज सॉर्ट कॉन्कर, कैसे इसको फिर से रिकर्सिव कॉल किया, इस सब लिस्ट को फर्दर टू सब लिस्ट में डिवाइड किया, इस सब लिस्ट को फर्दर टू सब लिस्ट में डिवाइड किया, सब टू लिस्ट में तब तक डिवाइड करता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन है पी लेस देन आर. जैसे ही ये कंडीशन वायलेट होगी यहाँ से बाहर आएगा,
मर्ज सॉर्ट का जो रिकर्शन है, जो रिकर्सिवली कॉल चल रहा है, वो रिकर्सिव कॉल खत्म होगा और ये कहाँ जाएगा, मर्ज पर. देन इट कॉल्स रिकर्सिवली द मर्ज. अब एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल है. यहाँ पर n power of 2 का मतलब है कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिए हैं, सो डैट कि हम सब प्रॉब्लम्स को इक्वल साइज में डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं. 8 एलिमेंट्स में p की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 8 है, तो q की वैल्यू क्या आई है, 4. q की वैल्यू 4 आई है, 4 है 7 पर. तो हमारी देखो 2 सब लिस्ट कैसे बन गई, 5 2 4 7 एक में चला गया, 1 3 2 6 एक में चला गया. दिस स्टेप इज द डिवाइड. यहाँ डिवाइड हो गया, मर्ज सॉर्ट फर्स्ट टाइम कॉल हुआ. फिर इसके लिए मर्ज सॉर्ट फिर से कॉल होगा, जो इस सब लिस्ट को फर्दर 2 सब लिस्ट में डिवाइड कर देगा, p q r. इसी तरह से इसके लिए p q और r 2 सब लिस्ट में डिवाइड कर दिया. फिर इसके लिए अलग से मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, इसका मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, इसका मर्ज सॉर्ट, इसका मर्ज सॉर्ट. इन सबका जब मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आ गए. दिस इज द फाइनल कॉल फॉर मर्ज सॉर्ट. यहाँ तक अभी मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ है, मर्ज कॉल नहीं हुआ, ओनली मर्ज सॉर्ट. ठीक है, अब हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पर हमारे पास मर्जिंग कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल की मर्जिंग करने में ये देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे, अब मर्जिंग कैसे होगी, ये चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा. ये दो एलिमेंट्स हैं, इनकी जब हमने मर्जिंग की तो हमने चेक किया कि दोनों में स्मॉलर कौन सा है. जो दोनों में स्मॉलर था एरे में, उसको पहले लिख दिया, दूसरे को बाद में लिख दिया. फिर इन दोनों को जब मर्ज कर कर एरे में डाल रहे हैं तो हमने चेक किया स्मॉलर वैल्यू को पहले डाल दिया, लार्जर वैल्यू को बाद में. इसी तरह से इन दोनों में स्मॉलर को पहले, लार्जर को बाद में. इसी तरह से यहाँ पर स्मॉलर को पहले, लार्जर को बाद में. अब फिर ये सब प्रॉब्लम्स है, अब इनकी मर्जिंग करनी है. तो हमने इन दोनों की जब मर्जिंग करेंगे तो दोनों के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे. ओनली फर्स्ट फर्स्ट क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये सॉर्टेड है, इंटरनली ये सॉर्टेड है. तो हमने 2 और 4 को आपस में कंपेयर किया, दोनों में जो स्मॉलर है हमने वो वैल्यू पहले डाल दी. ठीक है, इसका जैसे 2 पहले डाल दी तो ये आई, इसका जो होगा वो 5 पर पॉइंट कर रहा होगा और ये 4 पर ही होगा. फिर हमने 5 को 4 से कंपेयर किया, 4 स्मॉलर है, 4 यहाँ चला गया, अब ये पॉइंट कर कर यहाँ आ जाएगा. अब 5 और 7 कंपेयर हुए, 5 स्मॉलर था, 5 यहाँ आ गया, 5 के बाद कुछ नहीं था तो 7 ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया. सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 3 2 6 1 और 2 कंपेयर हुए, 1 पहले चला गया, फिर 3 और 2 कंपेयर हुए तो 2 चला गया, फिर 3 और 6 कंपेयर हुए तो 3 चला गया, एंड लास्टली 6 चला गया. अब इन दोनों सब लिस्ट में देखो, सबसे पहले 1 और 2 कंपेयर हुए, 1 स्मॉलर था, 1 चला गया. अब 2 और 2 आपस में कंपेयर हुए, दोनों 2 चले गए. फिर 4 और 3 कंपेयर हुए तो 3 चला गया. फिर 4 और 6 कंपेयर हुआ तो 4 गया. फिर 5 और 6 कंपेयर हुआ तो 5 गया. 7 और 6 कंपेयर हुआ तो 6 गया, फिर 7 गया. जो मैं बोल रही हूँ बच्चे वो रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज मैं यहाँ पर फिंगर से पॉइंट नहीं कर रही आपको, मैं माउस से पॉइंट कर रही हूँ कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है और कहाँ पर इंडेक्स पड़ रहा है. इट विल हेल्प यू आउट इन मेकिंग द प्रोग्राम ऑल्सो, कि यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहे हो इंडेक्स रिलेटिवली उसका इंक्रीज करोगे जहाँ से वैल्यू उठाकर आप एरे में डाल रहे हो. अदरवाइज इंडेक्स इंक्रीज नहीं किया मैंने उसका. फिर से ध्यान देना इस चीज़ पर, मैं इस वाले पॉइंट पर बोल रही हूँ कि 1 और 2 एक दूसरे से कंपेयर हुए, 1 चला गया. फिर उसके बाद 2 और 2 आपस में कंपेयर हुए, मैंने क्या किया, इसमें तो इंडेक्स जो है 5 से 6 पर आ गई, पर मैं यहाँ 2 पर ही रही, मैंने इसका इंडेक्स नहीं इंक्रीज किया. फिर 2 और 2 कंपेयर होकर दोनों 2 चले गए हैं. फिर 3 और 4 कंपेयर हुआ, देखो 3 का इंडेक्स यहाँ पर पहुँच गया, 2 के बाद 4 है तो यहाँ पर इंडेक्स पहुँच गया, 3 चला गया. तो 4 और 6 कंपेयर हुआ, 3 क्योंकि गया था इसलिए 3 का इंडेक्स इंक्रीज हुआ है. अब एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिस्ट है, लिस्ट में हाफ कैलकुलेट किया, हाफ 6 आया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई लिस्ट, अनइक्वल नंबर है. इसलिए मैंने आपको कहा था सब प्रॉब्लम्स का साइज ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, बट वो सिमिलर इन पैटर्न होती हैं, मतलब सिमिलर सब प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर इसके बाद इस सब लिस्ट को फिर से फर्दर डिवाइड किया, इस सब लिस्ट को फर्दर डिवाइड किया, फर्दर डिवीजन टिल वी गेट सिंगल एलिमेंट्स. सिंगल एलिमेंट्स में देखो जब मर्जिंग की है
वापस उसी स्टाइल में मर्जिंग की है जैसे हमने पहले की थी। 4 और 7 मर्ज हो गए, 2 ऐसे ही है, 6 और 1, 1 और 6 बन गए, 4 ऐसे ही है, 7 और 3, 3 और 7 हो गए, 2 और 6 है, मर्ज होकर 2 6 हो गया, ये 3 5 7, ये 1 4 6, 2 4 7। जस्ट टेक 2 मिनट्स इस स्लाइड के ऊपर लो, जस्ट देखो उसको कि इसमें मर्जिंग कैसे हो रही है, उसी स्टाइल में हो रही है जैसे पहले की थी मैंने। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज। हाँ जी चले आगे। अब आ जाओ मर्जिंग पे। मर्जिंग कैसे कर रहे हैं हम उसका एल्गो देखेंगे। इनपुट एरे ए एंड इंडेक्सेस पी क्यू आर सच डेट पी इज लेस इक्वल्स टू क्यू लेस देन आर। ठीक है, सब एरेज आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये चीज़ ध्यान देना, हमने मर्ज जब कॉल किया था तो ए कॉमा पी क्यू कॉमा क्यू कॉमा आर इन सब चारों से कॉल किया था, तो इसमें पी क्यू आर हैं क्या? सब एरे है ए पी से लेकर क्यू तक, ए क्यू प्लस वन से आर तक। बच्चे ये जो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ला रहे हैं मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, हम कोई और एरे नहीं बनाते, बी एरे नाम का कोई एरे नहीं बनाया, ए एरे में ही इंडेक्सेस के बेस पर डिवीजन कर रहे हैं कि हमारा ये सब एरे ये सब एरे, एक ही एरे में मल्टीपल एरेज क्रिएट कर दिए हैं हमने वर्चुअली। अदरवाइज हमने ए को कोई बी एरे बनाकर सी डी इतने सारे एरे नहीं बनाए हैं, ये जो यहाँ पर हैं ये इतने सारे एरे नहीं बनाए, ये ए एरे ही है, उसमें पी क्यू आर की वैल्यूज अलग अलग हैं। आउटपुट क्या आएगी? सिंपल सिंगल एक सॉर्टेड एरे जिसमें ए पी से आर तक होगा, सॉर्टेड होगा। मर्जिंग करने के लिए करना क्या है? 2 piles ऑफ सॉर्टेड कार्ड्स, मतलब 2 की मर्जिंग हो रही है, दोनों के टॉप पोस्ट 2 piles ऑफ सॉर्टेड कार्ड्स लेंगे। चूज द स्मॉलर ऑफ द 2 top cards, मतलब चूज द स्मॉलर ऑफ 2 top cards क्यों कहा है? मर्जिंग हमेशा 2 की होती है, उन दोनों के लोअर इंडेक्स को देख उठा लो, रिमूव इट एंड प्लेस इट इन द आउटपुट फाइल, रिपीट द प्रोसेस अंटिल 1 pile इज एम्प्टी, टेक द रिमेनिंग इनपुट फाइल एंड प्लेस इट फेस डाउन ऑन टू द आउटपुट फाइल। ये देखो कैसे कहा है इसने, इस चीज़ में क्या कहा है, वो कह रहा है कि 2 की मर्जिंग करो, मान लो ये इन दोनों की मर्जिंग करनी, इनके टॉप कार्ड उठा लो, ठीक है, टॉप कार्ड उठाकर कंपेयर किया और स्मॉलर वैल्यू को एरे में डाल दिया, ठीक है, टिल द टाइम 1 array इज एम्प्टी, इन दोनों में से जब तक कोई एरे एम्प्टी नहीं है तब तक हम तक कंपैरिजन कर डालते जाते हैं। जैसे ही एक एरे एम्प्टी हो जाता है दूसरे एरे के एलिमेंट्स एज इट इज हम उसमें लिख देते हैं, यही कर रहे हैं हम। रिपीट द प्रोसेस अंटिल 1 pile इज एम्प्टी, टेक द रिमेनिंग इनपुट पाइल एंड प्लेस इट ऑन टू द आउटपुट फाइल। एग्जाम्पल ले लो मर्ज के लिए, अब सिंपल सिर्फ मर्ज के लिए, इसे ध्यान से समझना, हमने कॉल किया है फॉर एग्जाम्पल मर्ज ए 9, 12 और 16 का, 9 इज द वैल्यू फॉर पी, 12 इज द वैल्यू फॉर क्यू एंड 16 इज द वैल्यू फॉर आर। एवरीबडी इज देयर इन द क्लास, प्लीज रिस्पॉन्ड वंस। एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। बच्चे अभी चैट बॉक्स, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब अभी देखो मैं मर्ज को कॉल कर रही हूँ ए 9, 12 और 16 के लिए, तो पी की वैल्यू 9 है, क्यू की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 16 है। तो मैंने पी क्यू आर के लिए जब कॉल किया, यहाँ पर देखो पी क्यू आर लिख भी दिए हैं, ये 9, 12 और 16, रिमेंबर दैट दीज आर द इंडेक्सेस नॉट द डेटा वैल्यूज, सो 9 12
16, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। हमारे पास दो सब एरे बने हुए हैं एल और आर, ठीक है, एल में ये वैल्यूज हैं, आर में ये वैल्यूज हैं, पी से लेकर क्यू तक यहाँ है वैल्यूज, देखो पी से क्यू तक देखो 2457, 2457 और क्यू प्लस वन से आर तक यहाँ पर है, ठीक है। अब व्हाट वी नीड टू डू, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कंपेयर किया, स्मॉलर वैल्यू को उठाकर ए एरे में डाल दिया। सो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो वन जो है स्मॉलर थी वैल्यू, वन मैंने यहाँ डाल दी। अब ये जो लिखा हुआ है ना ए, इस चीज को देखो यहाँ पर, ये ए, ये ए वो ओरिजिनल आ रही है, ये ओरिजिनल आ रही है ए, इसमें मैंने क्या किया नाइन्थ पोजिशन पर, क्योंकि मैंने मर्ज कॉल किया है 9, 12, 16 से, तो ए के नाइन्थ पोजिशन पर ये क्या होगा, मर्ज कर देगा 9 to 16, 9 to 16 के लिए कंप्लीट मर्जिंग और द सॉर्टेड एरे बन जाएगा। तो नाइन्थ के लिए जब मेरा कॉल हुआ तो नाइन्थ पोजिशन पर उसने इन दोनों को 9, 12 से 16 के बीच में चेक किया, वन है, वन को यहाँ पर इस ओरिजिनल एरे में 2 के ऊपर ओवरराइड कर दिया, 9 is the correct वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो क्रॉस लगे हुए ना, इसका मतलब कि ये अभी चेक नहीं किए हैं, इसलिए ऐसे हैं। फिर अब क्या हुआ, यहाँ पर वन आ गया, अब वन से टू आया, टू और टू आपस में कंपेयर होंगे तो टू आ जाएगा। अब क्या हुआ, ओरिजिनल एरे में 10th पोजीशन पर टू आ गया और दोनों सब एरेज में फर्स्ट पोजीशन क्रॉस हो गई क्योंकि वो दोनों चली गई। अब हमारा टू और फोर का कंपैरिजन होगा, टू और फोर के कंपैरिजन में टू जो है वहाँ चला जाएगा, फाइव के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, फाइव के ऊपर एरे में ए में ओवरराइट हो गया टू, टू वन और टू ये तीनों एलिमेंट्स कंपेयर हो चुके हैं इसलिए हमने इन्हें क्रॉस कर दिया है। फिर आ जाओ टू के बाद थ्री, थ्री ये चला गया, ये क्रॉस कर दिए, जो प्रोसेस हमने वहां किया था वही है। ये देखो सिक्स और फोर, फोर और सिक्स कंपेयर हुए हैं तो फोर जाएगा, फोर ओवरराइट हो गया वन की जगह वहां पे और यहां पर हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट फाइव और सिक्स कंपेयर हुए तो फाइव चला जाएगा, तो देखो फाइव चला गया, फाइव यहाँ पर क्रॉस हो गया, देन सिक्स, सिक्स चला गया, वो एरे खत्म हो गया, दूसरा एरे का सेवन वैल्यू एज इट इज आपने लिख दी, डन। एरे नाइन, 12 और 16 के लिए जो हमने मर्ज को कॉल किया था वो मर्ज होकर सॉर्टेड लिस्ट आ गई इतनी। अब मर्ज का एल्गो देखो, सूडो कोड जो है ए पी क्यू आर के लिए जब हम कॉल कर रहे हैं तो कंप्यूट एन वन एंड एन टू, कंप्यूट एन वन और एन टू हैं क्या, वन से एन प्लस एन वन प्लस वन तक और नेक्स्ट एन टू एलिमेंट्स इन टू आर। क्या करते हैं हम, एल एल वन जो है एल और आर नाम के दो एल सब एरेज बना रहे हैं हमेशा, एल जो सब एरे है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है जो हम पी से क्यू तक ले रहे हैं वो वन से एन वन प्लस वन से एन वन प्लस वन है, मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और नेक्स्ट एन टू एलिमेंट्स इन टू आर, और आर के अंदर एन टू एलिमेंट्स हैं, एन वन एल में और आर में एन टू एलिमेंट्स, ठीक है। एल वन एल के एन वन प्लस वन में इन्फिनिटी डाल दिया, आर टू के एन टू प्लस वन में इन्फिनिटी डाल दिया। इन्फिनिटी क्यों डाला है, ताकि जब कंपेयर हो तो ये वैल्यू हाईएस्ट रहेगी और ये कभी ओवरराइट नहीं करेगी। इनिशियलाइजेशन है, दिस इज जस्ट लास्ट पोजिशन पर इनके एन वन एलिमेंट्स हैं इसमें, एन टू एलिमेंट्स हैं इसमें। आई और जी को वन से इनिशलाइज किया, लूप लिया पी से लेकर आर तक, पी से लेकर आर तक जितना भी इंडेक्स है हमारा टोटल एरे का। If L of I is less equals to R of J, तो A of K में क्या डालेंगे, L of I, I को प्लस कर देंगे, अदरवाइज राइट और J को प्लस कर देंगे। ये स्टेप क्या है जो हम पहले कर रहे थे, लेफ्ट और राइट के सब एरेज जो हैं उनमें कंपैरिजन किया, जिसकी भी वैल्यू स्मॉलर है वो A एरे में डाल दी और उसे रिस्पेक्टिवली इंक्रीमेंट कर दिया पोजीशन को। K को भी इंक्रीमेंट करना है वो यहाँ से हो रहा है और I और J का इंक्रीमेंट यहाँ से हो रहा है। जिस सब एरे में से वैल्यू ए एरे में जाएगी उसके रिस्पेक्टिवली हमने उसको इंक्रीमेंट करना। एन वन प्लस एन टू की जो वैल्यू है वो थीटा ऑफ एन के इक्वल हो जाएगी। रनिंग टाइम जो हम अगर
वैसे निकालें तो एडिंग द एलिमेंट्स टू द फाइनल एरे, टोटल टाइम फॉर मर्ज जो है वो आपका थीटा ऑफ एन होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, पहले कॉम्प्लेक्सिटी करनी है कि पहले प्रोग्राम बनाना है? अतुल पहले प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्सिटी बेटा अगेन क्या है, यहाँ पर एक आपको डेरिवेशन करवाऊंगी मैं, ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा कंसेप्ट को समझने के लिए ना। सो आई थिंक सो जस्ट एक प्रोग्राम फर्स्ट, प्रोग्राम बनाने में कुछ नहीं है, जो मैंने आपको दो एल्गोरिथम्स दिखाए हैं ना बच्चे, उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। देन आई विल गो फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, मैं आपको एल्गोरिथम्स एक बार फिर से दिखा देती हूँ। दिस इज द एल्गो फॉर योर मर्ज। एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा, कहीं कोई इशू नहीं आएगा इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने में, बट यूज जावा। मर्ज सॉर्ट का भी दिखा देती हूँ, एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन बनेगा, एक मर्ज बनेगा। ये है मर्ज सॉर्ट का। मेन में सिर्फ मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है, मर्ज सॉर्ट अपने आप मर्ज को कॉल कर रहा है, इसलिए आपको मेन मेन में जाओगे तो मर्ज को कॉल नहीं करना, सिर्फ मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है।
यस क्लास टिल द टाइम यू आर वर्किंग ऑन द प्रोग्राम आई विल टेक अटेंडेंस. सौरभ शर्मा, सौरभ कातुयाला, यस मैम, राहुल बदाला, यस मैम, रजनी, हिमांशु शर्मा, सॉरी हिमांशु सिंह, अतुल, आकर्षित, अभिनव, अभिनय सिंह, आकाश चंदेल, अक्षय कुमार, अक्षित गुप्ता, अंजलि, अंजलि सिदाना, आर्यन मारिया, आयुषी शर्मा, दीक्षांत, दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा. बेटा आपका बहुत पीछे है कोर्ट क्वेश्चन का. गगनदीप बहुत पीछे हो. गगनदीप सिंह राणा, गौतम ठाकुर, गुरजोत, गुरजोत आपका भी बहुत पीछे है बेटा. हर्ष बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, हर्ष बट है. हिमांशु शर्मा, यस मैम, करमजोत, कार्तिक, यस मैम, किंशुक, कृतिका, कुणाल, मोहम्मद गुलाम, राहुल शर्मा, यस मैम, तेजस, पायल, पायल बेटा आपका क्यों पीछे है? आपका नाम भी आ रहा है कोर्ट क्वेश्चन पे, बहुत पीछे हो. निकिता गुप्ता, प्रेजेंट मैम, प्रिया, ईशान, अरीना, आशीष, मृदुल, निकिता शर्मा, निकुंज, निशांत शर्मा, निशांत ठाकुर, प्रेजेंट मैम, नितिश चंदेल, उवैस, प्रेजेंट मैम, रचित, रचित, राधिका, राजविंदर, रोहित, राजविंदर सबसे आगे है कोर्ट क्वेश्चन में. हार्दिक, राजविंदर, रूपलीन,
संदीप प्रेजेंट मैम संगम शिवम गुप्ता शिवांग प्रेजेंट मैम विजयंत यशासु यशासु लवेश पीयूष धनंजय जसप्रीत हार्दिक विक्रांत कोई ऐसा तो नहीं जिसकी नहीं लगी हो साध्वी आई है अनीश तन्वय दे आर हेयर कौन है अनीश है तन्मय साध्वी दिव्यांशु का नेटवर्क इशू हर्ष किसी का हुआ कंप्लीट कोड हुआ बच्चे मर्सॉट का कोड हुआ किसी का नहीं हुआ इतना टफ तो नहीं था बेटा जो एल्गो है उसको एज इट इज प्रोग्राम में कन्वर्ट करना था हाँ दीक्षांत का हो गया और because I have to cover the complexity also ab aaj ke baad tuesday ko lecture hoga beta aur tuesday ko we will cover quicksort
सिर्फ दीक्षांत का हुआ बेटा, क्या हो गया अतुल, तुम्हारा भी नहीं हुआ? अतुल, निकिता, अरीना, हार्दिक, शिवांग, किसी का नहीं हुआ? कहाँ पर इशू आ रहा है बच्चे, मेरे को बताओ। दीक्षांत, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। मैम शॉर्ट नहीं कर रहा है, कुछ ही एलिमेंट्स को कर ऐसा नहीं होना चाहिए, लूप में देखो कहीं, लूप 1 2 n में या कहीं किसी चीज में, पी क्यू आर की वैल्यूज को देखो कहीं, पी से क्यू, क्यू प्लस वन से आर। रहा है। मैं वो पता नहीं क्या हो रहा है। विजिबल हाँ बच्चे, विजिबल है। पहले मर्ज सॉर्ट का है ना? है। अच्छा, हाँ सर, तुमने इसमें ऐसे बनाया है? यहाँ से कॉल किया उसको पहले। अच्छा, मर्ज क्लास मर्ज सॉर्ट में पहले तुमने मर्ज का बनाया, अच्छा फॉर की जगह तुमने दो वाइल लिया है, अतुल तुमने कभी ये वाला स्टेप स्किप किया हो बच्चे? अतुल ये वाला स्टेप, सॉरी मुझे लगा तुम्हें मेरा माउस दिख रहा होगा, कि जब हमने एलिमेंट्स, एक सब लिस्ट खत्म हो गई तो उसके बाद दूसरी सब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एज इट इज कॉपी करने। ये वाला हाँ मैम, ये वाला मैम। किया? यस मैम। कहीं कोई वैल्यू को चेक करने में या कॉपी करने में कहीं कोई इशू होगा? बाकी क्लास एक बार देख लीजिए आप लोग कोड को, कहीं पर कोई इशू लग रहा है इस कोड को समझने में तो प्लीज मुझे बता दो। ये इसने मर्ज का बनाया है पहले, और फिर उसने सॉर्ट करके नाम से बनाया है, और मेन में सॉर्ट को कॉल किया है। जैसे मैंने एल्गो लिखा था उस एज इट इज उसने एल्गो को प्रोग्राम में कोड किया हुआ है। अगर आप देखोगे सॉर्ट नाम का जो फंक्शन है, उस फंक्शन में एज इट इज लिखा हुआ है, स्टार्ट पी क्यू की जगह उसने स्टार्ट और लास्ट ले लिया है, स्टार्ट और लास्ट की वैल्यू कंपेयर करी, मिड कैलकुलेट किया और फिर कॉल कर दिया। अतुल कहीं यहाँ कॉलिंग में तो नहीं स्टार्ट मिड मिड प्लस वन लास्ट और स्टार्ट मिड मिड प्लस वन लास्ट, इनकी कॉलिंग में कहीं कोई इशू रहा हो? तुमने मिड और मिड प्लस वन दोनों को कॉल कॉलिंग में लिया है, खाली मिड से भी चल जाता, मतलब तुम अगर एक वेरिएबल कम कर कर करना चाहो उसको भी एस वन प्लस वन करके कर सकते हो। ये वाला हाँ हो जाएगा। देख लेना, हाँ मतलब हो जाएगा,
मिड से भी हो जाएगा बिकॉज हमारे पास एक इंडेक्स तो है ही ना मिड। हाँ हाँ प्लस वन ही तो करना है उसको। हाँ उसको एस वन प्लस वन करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो जे इक्वल टू एस टू एस में एस वन प्लस वन आ जाएगा। हाँ ये कर सकते हो आप। बाकी इसने जो यहाँ बनाया है वो भी देख सकते हो आप। फॉर लूप की जगह उसने वाइल लिया है सिंपल। अगर फॉर लेना चाहो फॉर लो, वाइल लो लेना चाहो वाइल लो। उसने चेक किया दोनों में से, दोनों सब एरेज में से जो भी स्मॉलर था उसको टेम्प नाम के एरे में जो के है, के इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है उसमें डालता गया। के को प्लस प्लस किया, आई को प्लस प्लस किया अगर ए आई से डाला है, जे को किया अगर जे को डाला है तो। और जब देखा कि दोनों में से कोई भी एक सब लिस्ट एंड हो गई है आई और जे की वैल्यू चेक की, तो उसके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज उसने टेम्प नाम के एरे में डाल दिए हैं। ठीक है बच्चे दीक्षांत आप रख दो। अब मैं ना आगे आप कॉम्प्लेक्सिटी समझा देती हूँ। इसमें एक चीज थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी, रेकरेंस रिलेशन है कि नहीं है। वो डॉक्यूमेंट खोलते हैं और हम समझाते हैं। बच्चे देखो जहाँ पर भी रिकर्शन होती है ना, रिकर्शन में कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए रेकरेंस रिलेशन बनाया जाता है। द टर्म यूज्ड इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन ये रिकर्शन से ही बना है ये वर्ड रेकरेंस रिलेशन। जनरलाइज्ड टर्म रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, Pn इक्वल्स टू A एन बाई बी प्लस सी। अब ये ए बी और सी क्या है, ए टेल अस द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। हमारा रेकरेंस रिलेशन जनरली कब बनता है, एक तो रिकर्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, दूसरा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है हमारी, आगे ग्रीडी है, डायनेमिक अप्रोचेज हैं। ये भी क्या कहती हैं, हमारी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से डिवाइड करना और उनको कॉन्कर करना। सो ये तीन तरह की अप्रोचेज हैं हमारे जिनमें हम रेकरेंस रिलेशन को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। और ये तीन अप्रोचेज हैं किस लिए, ये तीन अप्रोचेज हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। फर्स्ट आपने डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ी जो मर्ज सॉर्ट के लिए है, क्विक सॉर्ट के लिए भी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होती है। आगे होती है आपकी ग्रीडी और डायनेमिक अप्रोचेज जो हम लेटर स्टेजेस पर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ग्रीडी और डायनेमिक अप्रोचेज भी कुछ लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे आपने सुना होगा एमकिंस प्रॉब्लम है और आपकी नैपसेक प्रॉब्लम्स हैं और प्रिम्स और क्रुशकल हैं। ग्राफ्स में हम करेंगे प्रिम्स और क्रुशकल, ये हमारी ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व होती हैं। तो इन सब में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए इस तरह का रेकरेंस रिलेशन बनाते हैं। ये जनरलाइज रेकरेंस रिलेशन है, इसमें ए रिप्रेजेंट करता है हमारा नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। जैसे यहाँ पर साथ साथ लिखती हूँ मैं मर्ज सॉर्ट। एन जो है, ये जो एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रॉब्लम। ए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, हमारी एक टाइम पर एक स्टेप पर नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है, टू मर्ज सॉर्ट में। टी एन बाई बी कहता है कि मेरे पास हर सब प्रॉब्लम का साइज क्या है। सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो एन बाई टू है मर्ज सॉर्ट में, एन बाई टू। सब प्रॉब्लम में साइज क्या है सब प्रॉब्लम का, वो n बाई टू है। प्लस सी, हमने जब डिवाइड किया और जब हमने वापस कंबाइन किया उस टाइम पर कितना टाइम या स्पेस लगा। जब
जब हम डिवाइड कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं, हमारे सारे एलिमेंट्स एक बार स्कैन होते हैं, तो मर्ज सॉर्ट में एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है एन। सी कहता है टाइम टू डिवाइड इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड टू मर्ज देम अगेन टू फाइंड गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो एन आ रही है मर्ज सॉर्ट के केस में। सो मर्ज सॉर्ट का जो रेकरेंस रिलेशन बनता है वो ये है, ठीक है, टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन। ये क्लियर है सबको, ये रेकरेंस रिलेशन बनाना है आ गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो टी एन बाई टू है, आप क्या करो यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है टी एन इज इक्वल टू टू टी एन बाई टू प्लस एन। तो ये जो टी एन बाई टू है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इस टी एन की जगह टी एन बाई टू डाल दो, कैसे, टू मान लो ये ऐसे, अब टी एन बाई टू की जगह कैसे रिप्लेस हो जाएगा, टू टी एन बाई फोर प्लस एन बाई टू वन प्लस एन। ये स्टेप समझ में आया, अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। फिर आगे मैंने क्या किया है, टी एन बाई टू की वैल्यू निकाली है। टी एन बाई टू की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, टी एन वाला जो फंक्शन है मेरा उसमें मैं एन को एन बाई टू से रिप्लेस कर रही हूँ, इज दिस क्लियर। किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताओ। ठीक है, अब इसको ओपन आउट करो, देखो इज इक्वल टू फोर टी एन बाई फोर प्लस टू एन। मैंने टू एन क्यों लिखा, एन बाई टू है, टू से टू कट जाएगा, एन आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के, एन प्लस एन टू एन हो गया। अब क्या करोगे, टी एन बाई फोर की वैल्यू निकालोगे। टी एन बाई फोर की वैल्यू क्या आएगी, मैं जो लिख रही हूँ डायरेक्टली, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो, एन बाई एट प्लस थ्री एन, ऐसे ही करते चले जाना है। ये हर रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का वे है। अगर आपको कोई गेट का एग्ज़ाम दोगे या कोई नेट का एग्ज़ाम दोगे तो रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना आता है वहाँ पर, या प्रॉब्लम दी होगी उसका रेकरेंस रिलेशन आपको बनाना है, प्रोग्राम दिया हुआ है, कोड लिखा हुआ है, उसका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। डायरेक्टली फॉर लूप्स नहीं है वहाँ पर। अब देखो मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट और मर्ज है, रेकरेंस कॉल हो रहा है, रेकरेंस रिलेशन है, रिकर्शन है। अब कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट फॉर लूप से नहीं निकाल सकते, तो वहाँ आपको रेकरेंस रिलेशन बनाना होता है। ये रेकरेंस रिलेशन का फॉर्मेट है बनाने का, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व हमेशा रेकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में होता है। ये आ जाएगा एन बाई सिक्सटीन प्लस फोर एन। कोई एक रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है आप लोगों को इसमें जो मैं ये लिख रही हूँ, क्या इसमें कोई एक रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू टू फोर टू की पावर फोर एन बाय प्लस फोर एन। देखो मैं इसको नीचे ले आऊं पहले, हाँ ये देखो क्या ये रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है, टू की पावर फोर है, टू टी एन बाई टू की पावर फोर है, ये भी टू की पावर फोर ही है, ठीक है, प्लस फोर एन। फोर क्या है, ये फोर, ये फोर है, ये देखो, ठीक है। तो मैं इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूंगी, मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, सो ऑन करते जाना है कहाँ तक, टू की पावर के टी
एन बाय के प्लस के एन, ठीक है, क्योंकि पार के पहुंचा दूं मैं, मैंने ये जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है सिर्फ, आपने हर रेकरेंस रिलेशन को इसी फॉर्म में करना होता है, ठीक है, एन बाय सॉरी टू की पार के, नहीं नहीं एन की आर की, ठीक है ठीक है। अब क्या है हमें, नहीं टू की पार के है तो टू की पार के ही आएगा, हाँ टू की पार के ही आएगा ये, ठीक है। अब ये देखो ये जनरलाइज्ड फॉर्म बन गई, अब हमें ना इसे सॉल्व करना है, टू की पार के जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना बच्चे, कॉम्प्लेक्सिटी टी की पार वन सॉरी टी ऑफ वन जो होती है वो वन होती है, टी ऑफ वन अगर मैं लिखूं ना यहाँ टी ऑफ वन, तो टी ऑफ वन जो होता है ना वो वन होता है, इसका मतलब क्या होता है, टी ऑफ वन का मतलब वन नंबर ऑफ एलिमेंट है आपका, तो एक ही एलिमेंट है तो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वन। तो हमें हर रेफरेंस रिलेशन में ये जो चीज होती है ना इसे वन करना होता है, इसे वन करना है, तो एन बाय टू की पार के को हमें वन करना है, एन बाय टू की पार के को हमें इज इक्वल टू वन करना है। इसको मैं नीचे ले आऊं, पार में जा रहा है, ठीक है, एन बाय टू की पार के को वन करना है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू टू की पार के, टू की पार के ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, टेक log विद बेस टू एट बोथ द एंड्स, तो क्या होगा log विद बेस टू n इज इक्वल टू k, ये बेस लगा, ठीक है। क्या यहाँ तक का स्टेप सबको समझ में आ गया है, k की वैल्यू क्या हो गई, log with base 2n। अब क्या करना है, इस k की वैल्यू को ऊपर tn में पुट करना है, tn is equal to 2 की पार k, तो 2 की पार क्या हो गया, log with base 2n, मुझे ना इसे एक बार सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट बनाने दो, ये हो गया, इसको बना दो सुपर स्क्रिप्ट, टी अगर मैं के की वैल्यू टू एन बाय टू के की वैल्यू मैंने वन की थी तो ये वन ही हो जाएगा, प्लस के की वैल्यू क्या है लॉग विद बेस टू एन, मैं सिर्फ लॉग इन लिख रही हूँ बेटा, बार बार मेरे को ना वो लगाना पड़ रहा है, एन लॉग एन लिख दिया, ठीक है, यहाँ बेस टू है, ये इतना स्टेप समझ में आ गया, टू की पावर लॉग विद बेस टू एन क्या बनेगा, वन वन बनेगा ना, टू की पावर नहीं एन बनेगा, सॉरी टी की टी वन क्या होगा, वन प्लस एन लॉग एन, n प्लस n log n में हायर वैल्यू क्या है, n log n, तो ये क्या हो जाएगा, big O of n log n, that is the complexity of Merge sort। हाँ जी ये क्लियर हुआ है बेटा, is everyone is clear with this, कैसे हमने निकाला है, आपने सिर्फ ये रेकरेंस रिलेशन बनाना है, रेकरेंस रिलेशन बनाकर इसे सॉल्व करना है, बाइनरी सर्च का भी रेकरेंस रिलेशन बनेगा और उसे सॉल्व किया जाएगा, सो बाइनरी सर्च का रेकरेंस रिलेशन बना सकते हो और उसे सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही आएगी। कोई बताएगा मुझे बाइनरी सर्च का रेकरेंस रिलेशन क्या बनेगा अगर हम उसको रिकर्शन से करते हैं तो, कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है बाइनरी सर्च, कोई तो जवाब दे दो, बाइनरी सर्च कितनी सब प्रॉब्लम्स पर डिवाइड करता है, एक प्रॉब्लम को टू में, साइज क्या होता है एन बाय टू प्लस
सी ले लो जी, क्योंकि अभी कितने ट्रेवर्स होते हैं क्या होते हैं हमें नहीं पता। अब इस रेकंसिलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे लॉग विद बेस 2 है ना, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये क्लियर है बेटा सबको? एवरीवन इज क्लियर? मुझे बता दो, क्लास ठीक है बेटा? फिर अगर क्लियर है तो दैट्स वेरी गुड। आज के लिए इतना ही, मर्सॉट का प्रोग्राम कर लेना, अगर नहीं होगा तो वी विल डिस्कस ऑन ट्यूसडे। नाउ योर क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे, और टिल देन प्लीज कंप्लीट योर कोड क्वेश्चन। मैंने आज भी क्लास में अटेंडेंस लेते हुए भी कुछ स्टूडेंट्स को उनके नाम बताए हैं, मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी डाला था मुझे, और मैं ये बता दूं जिनके नाम जहां दिख रहे थे मुझे दो दिन पहले, कल डाला था मैंने सुबह, और अभी शाम तक भी वो वही हैं। सो कंप्लीट इट, ओके? ओके देन, टेक केयर, बाय, ऑल मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, एंड योर फैमिली, बाय।